अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर डिसिप्लिन क्या है? भैया डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू समथिंग यू डोंट वांट टू डू इन ऑर्डर टू गेट अ रिजल्ट दैट यू रियली वांट टू गेट। बहुत अंग्रेजी है ये भैया, अपने कॉपी में सबसे आगे लिख लेना कि डिसिप्लिन क्या है जो हमेशा टीचर तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन तुम्हारी एबिलिटी है, डिसिप्लिन तुम्हारी ताकत है, डिसिप्लिन तुम्हारा फ्यूचर है, डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर का पैशन है, इमोशन है। डिसिप्लिन क्या है? अपने आप से इतनी मेहनत करा देना जो तुम नहीं करना चाहते हो। तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते हो, तुम बहुत सारे सवाल नहीं बनाना चाहते हो, तुम भाई साहब जो क्लास का लेक्चर है ना, तुम चाहते हो कि सर पढ़ा दें तुम्हारे दिमाग में बस जाए, तुम घर में पेन चला के बार बार उसे दिमाग में नहीं बसाना चाहते हो, डीपीपी का एक सवाल नहीं होता है ना तुम पढ़ना छोड़ देते हो क्योंकि तुम सवाल नहीं बनाना चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो यार सवाल बनाना, जब तक सॉल्यूशन तुम्हारे खून में ना बस जाए तब तक सवाल बनाते रहो, फ्री टाइम में भी सवाल बनाओ, खूब पढ़ो, अपने मन में सोच लो ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी की तैसी, ठीक है ना, तुम एक दिन में 100 सवाल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो। तो डिसिप्लिन वही एबिलिटी है टू मेक योरसेल्फ डू समथिंग यू डोंट वांट टू डू। तुम ये सब नहीं करना चाहते हो लेकिन ये सब तुम करो, तुम क्यों करना चाहते हो? इन ऑर्डर टू गेट यू रियली वांट टू गेट, जिसमें कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा हो, और वो क्या है? JARH AIR 1। भाई सोचो प्लीज, अपना देखो, पता है मैं जब सब ऑनलाइन वर्ल्ड में जब बोल रहा होता हूं ना कि मुझे AIR 1 तुमसे चाहिए, तुम AIR 1 ला के दिखाओ, तुम ये करो वो करो, जब मैं बोल रहा होता हूं ना यार, जानते हो मैं अपनी हंसी भी उड़वा रहा होता हूं क्योंकि वीडियो भी आउट होते हैं, मैं देखो AIR 1 मान रहा है, देखो बेटा AIR 1 मान रहा है, ऐसे ही AIR 1 आ जाती है। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, उसके नीचे आके कमेंट भी कर देते हैं AIR 1 इनको चाहिए। मुझे पता है, मुझे अपनी काबिलियत और तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि तुम में से एक ना एक बच्चा तो होगा ना यार जो मेरी बात एकदम दिल से सुनता होगा, कोई ना कोई एक तो बच्चा होगा जिसके अंदर पैशन होगा, जिसके अंदर उस लेवल का डिवोशन होगा, जो पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहता होगा। डिसिप्लिन का मतलब बता दिया है, वो करना पड़ेगा जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है और तुम वो करना नहीं चाहते हो। इसी बीच बहुत से इंस्टाग्राम और यूट्यूब में पेजेस हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं इस वक्त, जिनको तुम अपनी लाइफ मान लेते हो कि भैया जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मस्ती कर लो, कल रहे ना रहे कल याद आएंगे ये पल। भाई 1-1.5 साल 2 साल के लिए भाई ये चीजें छोड़ दो, बस 2 साल के लिए, उसका तुम वही जिंदगी जीना जो YouTube और Instagram में सिखाई जा रही है, क्या कर लो हैं कल रहे ना रहे, ये सब हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो लाइफ में ठीक ठाक अचीव कर चुके हैं। समझ रहे हो, हगीज बदल के तुमने अभी तो पैंट पहनना सीखा है, वो भी कई बार तुम स्कूल ऐसे ही चले जाते हो चेन नहीं बंद होती है, अभी तुम बच्चे हो, तुम अपने मन में अपने आपको परम भोगाली सोच सकते हो, ऐसा होगा। आज का लेक्चर टफ लगा होगा, अभी फिजिक्स वाले सर बॉम्ब पे बॉम्ब मारेंगे, ऐसे केमिस्ट्री वाले सर कभी आके बॉम्ब पे बॉम्ब मारेंगे, सबके सब क्या भाई साहब बॉम्ब पे बॉम्ब मारेंगे यार, तुम्हें डिसिप्लिन से पढ़ना है ना, रोज पढ़ाई अच्छी नहीं चलेगी, शुरू से बोला यार कभी अप आएगा कभी डाउन आएगा, चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आज लेवल अप कर दिया, देखना आधे लोग रो पड़ेंगे जस्ट बिकॉज वो पेन नहीं चलाना चाहते यार। मैं तुमसे सबसे इजी सवाल करा सकता हूं, यस, और तुम उसे पढ़ो, तुम कहोगे मास्टर तो गजब है, तुम्हें तारीफ करोगे सर आई लव यू, लेकिन ज्यादा जरूरत जानते हो किस चीज की है? तुम्हारी रैंक की। हम चाहते हैं यार दुनिया के सामने प्रूव करें कि यहां सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के भी AIR 1 आ सकती है, और बेटा वो तुम होने चाहिए। मुझे भी खून पसीना बहाना पड़ेगा, तुमको भी बहाना पड़ेगा, ऐसा कमाना है भौकाल से कमाना है तो उसके लिए यार पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना यार, या तो तुम्हें यूट्यूबर बनना है बन जाओ, ये सब छोड़ के बन जाओ, उसमें भी मेहनत लगेगी, लेकिन भाई जेई से हर साल 20-30 हजार लोग ऐसे होते हैं जो भौकाल पैकेज पाते हैं, भौकाल मतलब अपने लोअर मिडिल क्लास से अपनी फैमिली को अपर मिडिल क्लास में पहुंचा देते हैं या फिर अपर क्लास में पहुंचा देते हैं। ऐसे बनो ना यार, तुम अपनी फैमिली को जो भी स्ट्रगल इस वक्त फैमिली यार फेस कर रही है ना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे से पढ़ के अपनी फैमिली का लेवल बढ़ाना। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो तुमको गंदी निगाहों से देखते होंगे, कहते हैं ये लगता है ऐसे ही है, इनके पास तो कुछ नहीं है, इनका लड़का भी ऐसे ही है, इनकी लड़की भी ऐसी है, जानते हो। उन सबको जवाब देने का तुम क्या तरीका ढूंढते हो कि उनको जाके तुम लड़ लोगे, उनको तुम गंदी गंदी बातें बोल दोगे, गालियां दे दोगे, तुम ऐसी चीज ढूंढते हो, लेकिन भाई ये चीजें नहीं ढूंढनी है ना, अपने काम से जवाब दो ना यार। मूर्खों से तुम लड़के जीत जाओगे क्या? जीत जाओगे मूर्खों से लड़के? तुम मूर्खों से लड़ोगे, उनके पास 50 बातें होंगी, उनसे कहते हो ठीक है सॉरी, अपने मन में अपने आप से बोलो, उनको नहीं बोलना है कि 2 साल बाद बताऊंगी, नहीं, अपने आप से बोलो इन सबको 2 साल बाद बताऊंगा। एक सेकंड का हिसाब तुम्हारे पास होना चाहिए, मैंने शुरू से कहा है कि भाई साहब जब भी कभी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो फालतू चीजों में, अपने आप सोच लो, जो JARH होगा, जो फ्यूचर IITian होगा, जो AIR 1 होगा, क्या वो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा होगा? आंसर आएगा नो, समझे, पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ाई ईजी नहीं होती है क्योंकि सपने तुम्हारे ऊंचे हैं, ठीक है, और मैं क्योंकि IIT JEE का टीचर हूं, मैं सिर्फ एक ही करियर की इस वक्त बात करूंगा, वो है IIT JEE में कैसे सेलेक्ट। तुमने एक प्रोफेशन चुन लिया है क्या कि IIT JEE के थ्रू तुमको रैंक लेके आनी है, ट्रस्ट मी, अगर तुम अच्छी रैंक लेके आते हो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। इस दुनिया की बातों मत जाना कि IIT में सेलेक्ट हो गए तब भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। ये चेहरा याद रखो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये भैया वीडियो याद रखो, तुम बहुत बढ़िया कर लोगे।